हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्टॉक मार्केट। पिछले एक महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए इतना सडन क्रैश हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत पैनिक में हैं, रिटेल इन्वेस्टर हो, छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, हर तरीके का इन्वेस्टर बहुत क्राइसिस में है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच क्रैश इन इंडियन स्टॉक मार्केट अपार्ट फ्रॉम कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट हुआ वो तो जनवरी में चाइना में हुआ था, लेकिन उसका इंडिया में इफेक्ट इस समय ऐसा क्यों हो रहा है और किस रीज़न से मार्केट में इतनी ज़्यादा डाउनफॉल हो रही है। अगर देखा जाए पिछले एक महीने में या डेढ़ महीने में निफ्टी 12,450 से लेकर 7,500 तक आ जा गया। वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 23rd मार्च 2020। तो क्या रीज़न था इतना, लगभग 45% के आसपास मार्केट क्रैश हो गया। उसका एक रीज़न सिंपल है, डिमांड और सप्लाई में गैप होना, और शेयर मार्केट पूरा सेंटिमेंट्स पे काम करता है। तो जब मार्केट में एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट होता है तो हमेशा वो बबल अपर ऊपर की तरफ जाता है, वो अपर सर्किट लगाता है या मार्केट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। लेकिन जब भी मार्केट में पैसिमिस्टिक न्यूज़ होती है तो शेयर मार्केट पूरा सेंटिमेंट्स बेस्ड काम करता है। तो अभी कोरोना के केस में लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, उस रीज़न से उनको ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जब इतना डर आ गया है तो हर बंदा, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स, वो उतना पेन बेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपने शेयर्स को लगातार सेल कर रहे हैं, कम दाम पे भी मिलेगा तो भी। सपोज़ कोई शेयर 100 रुपीज़ का था दो तीन साल पहले, वो 150 हो गया, तो शेयर होल्डर को लगा, किसी बंदे को लगा कि अब तो ये 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तो उसने 150 पे खरीद लिया। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया, तो वो शेयर का दाम किधर आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, क्योंकि ज़्यादा सेलर हो गए। क्योंकि लोगों को अब इस पैनिक में ये डर है कि कहीं वो शेयर 200 वाला जो हो सकता है वो 150 ना हो जाए, 100 ना हो जाए, हो सकता है वो 50 ना हो जाए। वो केवल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो दिमाग में है कि मार्केट का बॉटम कहाँ है वो किसी को नहीं मालूम। तो इस डर के मारे वो 100 वाला शेयर जो उसने 150 होने पे खरीदा था, जिसको वो सोच रहा था 200 होगा, इवेंचुअली वो 70 रुपये में भी बेच के बाहर आ जा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि हो सकता है वो शेयर आगे चल के 50 रुपये या 30 रुपये पे ना हो जाए। तो पूरी इकोनॉमिक्स, पूरा फाइनेंस डिमांड और सप्लाई पे है। तो अभी क्या हो गया, मार्केट में इस पैनिक के चलते, इस डर के चलते सेलर ज़्यादा हो गए, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई, और शेयर को खरीदने वाले डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई से ही किसी चीज़ का आइडियल प्राइस डिटर्मिन होता है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती थी, वो एक इक्विलिब्रियम या आइडियल प्राइस था। यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई साइड शेयर्स की सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, और डिमांड क्या है, इस समय डर के मारे लोग खरीद नहीं रहे, उनको लग रहा है मार्केट और क्रैश ना हो जाए, तो डिमांड और कम हो रही है, और लोग बेच बेच कर अपना शेयर, भले ही लॉस में लेकिन अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो शेयर की सेल लगी हुई है और शेयर्स की सप्लाई ज़्यादा है, और डिमांड क्या है, उसके कंपैरिजन में डिमांड कम है, इसलिए शेयर्स के दाम कम हो रहे हैं। दूसरा एक और बड़ा रीज़न है कि कुछ शेयर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कम हो रहे हैं, एक एक दिन में 30% 40% कम हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है वो आपको बताते हैं। FIIs जो हैं वो सेल कर रहे हैं, जैसे इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जिसमें बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगा रखा है, अब्रॉड के FIIs। यूजुअली ये माना जाता है कि जिन कंपनीज में FIIs पैसा लगाते हैं, यूजुअली ऐसा मानते हैं, जिन कंपनीज में FIIs का इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी सेफ होती हैं, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर काफ़ी रिसर्च करके हमारी कंपनीज को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक पर्टिकुलर कंपनी है, या आपने नाम सुना होगा, इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ था रिसेंट में, डेफिनेटली उसने वोडाफोन आइडिया को एक बड़ा लोन दे रखा था, और वोडाफोन आइडिया से फिलहाल वो पैसा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक लगभग 3,500 करोड़ का बैड डेट्स हो सकता है इंडसइंड बैंक के लिए, दैट वाज वन ऑफ द न्यूज़। इसके चलते इंडसइंड बैंक का शेयर 1600 रुपये से घट के 1000 रुपये हो गया, कि भाई इंडसइंड बैंक में लगभग 3,500 करोड़ का बैड डेट्स होने वाला है। ये एक जेन्युइन रीज़न था कि बैड डेट्स होगा तो शेयर का दाम घटेगा, जेन्युइन न्यूज़ से। लेकिन उसी इंडसइंड बैंक में उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादातर किसकी थी, FIIs की। तो कोरोना इफेक्ट के चलते वो यूरोप के इन्वेस्टर्स, वो US के इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडसइंड बैंक में लगा रखा था, और अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो यूरोप में और रिसेंट में US में भी कोरोना वायरस का इफेक्ट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया।
तो डेफिनेटली आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो लोग बैठे हुए हैं इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा जहां भी म्यूचुअल फंड में, वो लोगों ने अपना पैसा इस क्राइसिस में कैश इन कैश करा होगा, और जो उनके यहां बैठे हुए स्पेन में बैठे हुए बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में इंडसइंड बैंक या किसी कंपनी में पैसा लगा रखा होगा, तो जब इटली के किसी बंदे ने अपना म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन लिया होगा, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करा होगा। तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर इटली में बैठा हो, उसने भी जहां जहां पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, वो इंडिया में, चाइना में, जहां भी, उसने भी वहां वहां उन कंपनी से अपने पैसे क्या करे होंगे, विड्रॉ करे होंगे। तो वहां से भी एक बहुत हैवी सेलिंग आ गई, बहुत हैवी सेलिंग आ गई। तो FIIs ने हमारे यहां से अपना पैसा क्या करा, विड्रॉ करना शुरू करा, क्योंकि उनको डोमेस्टिक मार्केट में अपने यहां अपने बंदों को पैसा वापस करना है। तो इंडिया में दो तरीके से हो गया, एक तो ये जो पूरा कोरोना का जो नेगेटिव एनवायरमेंट है वो इंडिया में कहां तक जाएगा अभी उसकी सर्टेनिटी नहीं है, मार्केट में इससे एक पैसिमिज्म आया, और जो FIIs थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, बड़े प्लेयर्स थे, वो जब सेल करते हैं शेयर तो बहुत बल्क में सेल करते हैं, एक एक दिन में 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, वो बहुत हैवी सेलिंग करते हैं। तो इंडिया में एक ही टाइम पे दो इम्पैक्ट हो गए, एक तो हमारे पास क्या हुआ, कोरोना का इम्पैक्ट जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना रहा है, लोगों में बड़ा डर है, और FIIs जो वाकई में इस समय अपने जो पहले शेयर इंडिया में लगाते थे पैसा, वो वापस अपने शेयर बेच रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, तो सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो गई शेयर्स की, और शेयर की डिमांड क्या है, कम। इस रीजन से स्पेशली वो शेयर्स बहुत पिटे हैं, इन द सेंस इनके वैल्यू बहुत कम हुई है, जिनमें FIIs की होल्डिंग बहुत ज्यादा थी। अब ऐसे में आपको क्या करना है, तो देखिए पैनिक मोड पे आने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में, तो लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, आपको लॉस में बेचना है नहीं, बेसिकली इट इज योर कॉल। लेकिन इन जनरल अगर आप अभी तक बने हुए, अभी तक आपने लॉस बुक नहीं करा है, तो आई वुड से मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट इज योर कॉल, कि अभी मार्केट जो है बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया इसको या हम लोग इस चीज को कैसे टैकल करते हैं, जो सेल्फ आइसोलेशन है। लेकिन ये जरूर है कि ये समय है एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जो इस समय इन्वेस्ट करेगा, क्वालिटी पैटेगरी ऑफ शेयर्स अगर आप बात करें तो बहुत बढ़िया दाम पे मिल रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें HDFC लिमिटेड, 2,500 का शेयर था, आज 1,490 रुपीज पे है, मतलब अपने पीक से ये शेयर लगभग देखा जाए तो 40% नीचे मिल रहा है, और इंडिया की नंबर वन कंपनी माना जाता है, क्योंकि HDFC लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, वो खुद में इंडिया की नंबर वन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी HDFC बैंक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, और HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC AMC है। तो सोचिए जब एक कोई पर्टिकुलर बंदा है, वो एज अ फादर है, वो खुद भी बिजनेस कर रहा है, और उसके 3 बच्चे, उनका बिजनेस भी सुपर हिट है, तो उस फादर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी साउंड होगी। तो HDFC लिमिटेड का शेयर ऑलरेडी 40% करेक्ट हो गया। इन द सेम वे अल्ट्राटेक सीमेंट बनाती है, अगर आप बात करें वर्ल्ड की नंबर 3 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, जितनी प्राइवेट कंपनीज पूरे वर्ल्ड में है, एक्सेप्ट अ फ्यू चाइनीज कंपनी, पूरे वर्ल्ड में जितनी सीमेंट बनाने की कंपनी है, इवन अमेरिका, रशिया, सबको आप इंक्लूड कर लें, कैपेसिटी वाइज अल्ट्राटेक वर्ल्ड की नंबर 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनी है सीमेंट बनाने की, और 4,900 रुपीज का शेयर अभी 2,980 रुपीज तक पहुंच गया, 3,000 रुपए तक, ये भी लगभग 40% करेक्ट हो गया है। तो ऐसे स्टॉक्स में, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो फिर आपको बढ़िया ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा धीरे धीरे करके इस समय लगाना शुरू करना चाहिए, ना कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दैट इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द गोल्डन टाइम टू एंटर और टू इंक्रीज आर इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक मार्केट। ये जो भी इम्पैक्ट है वो 2, 4, 5, 6 महीने में सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, इकोनॉमी वापस नॉर्मल मोड पे आएगी ही आएगी। तो आप थोड़ा बिलीव करें, खुद पे ट्रस्ट करें, और मार्केट में भी बहुत पैनिक मोड में मत आएं। जो अगर इस समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत हेफ्टी रिटर्न्स, बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलेंगे। थैंक यू।